सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती न लगने लगी। यदि आपके अंदर संतोष है तो आप सबसे अमीर हैं, शांति है तो आप सबसे खुश हैं और दया है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। आज का पंचांग 16 मार्च 2020 दिन सोमवार, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 3 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 11:12 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:42 से 9:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:46 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर सुबह 11:12 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। तुला राशि 16 मार्च 2020 दिन सोमवार। अभी आपको जीवन में अपने लिए बहुत कुछ चाहिए। आपके दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, साथ ही प्रतिस्पर्धा आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। कड़ी मेहनत करें और असंतुलन से बचें। नए निजी और व्यावसायिक संबंधों के लिए भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, कल्पना करना और काम टालना छोड़ें। आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। सफलता हमारे परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है। भाग्य उन्नति के लिए अवसर प्राप्त हो सकता है। किसी तरह का पहले से कोई विवाद है तो उसका समाधान हो सकता है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ने से मानसिक शांति मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से अनुकूल हो सकती है। पारिवारिक स्थितियां समानतः अच्छी हो सकती है। आज के दिन उन लोगों के लिए कुछ खास रहने वाला है जो अपने कार्य क्षेत्र में अलग अपने लिए आय या कोई दूसरा साधन खड़ा करना चाहते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। कुछ मामलों में आपको लोगों से नई तरह की सलाह या कोई क्रिएटिविटी प्लानिंग मिल सकती है। आपको अपने रिश्तों के प्रति समर्पित होने का समय है। सावधानियां, फिजूल की दिखावेबाजी से दूर रहें। कोर्ट और कानूनी मामलों में उलझन हो सकती है। न्यायालयिक कार्यों में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। आलस्य और निराशा में वृद्धि होगी। नौकरी में काम का दबाव बना रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो आज आप अपने जरूरी कामों या फोन कॉल आदि में व्यस्त रहेंगे। आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। किसी करीबी की बीमारी का पता लगने से माहौल थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। आप प्यार में पड़ चुके हैं, अपनी इस रंगीन भावनाओं को ब्लैक एंड व्हाइट ना होने दें। अपने पार्टनर को प्राथमिकता दें लेकिन अपने काम को भी ना भूलें। करियर की बात करें तो आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम आपको जल्द ही मिलेगा जो आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। अपनी मानसिक शक्तियों को नजरअंदाज ना करें। आप किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। आपका सही समय अभी नहीं आया है इसलिए इंतजार करना बेहतर है। आपकी तकनीक सही नहीं है, इन पर अच्छे से विचार करें और किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले सही समय की प्रतीक्षा करें और चीजों को आगे बढ़ाने के बजाय स्वयं आगे बढ़ें। मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सेहत की बात करें तो आज आपको व्यायाम और अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। आज आप चटपटे इस नक्शे में व्यस्त रहेंगे इसलिए अच्छा खाना खाने की आदत डालें। आज आप बाहर का भी कुछ ना खाएं। आज का उपाय। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।